Assalamu alaikum everyone, welcome to World Affairs. And today's video is on a request of our subscriber jinhone kaha tha ki mujhe National People's Congress ke upar jo hai kuch details chahiye, kuch information chahiye. To ye unke kehne par video banayi ja rahi hai. To is video mein aap dekhenge ki National People's Congress ki powers kya hai, uski composition kya hai, uske jo deputies hain unke perks and privileges kya hote hain. Fine, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हाउस का स्टेटस देख लेते हैं. ये तीन ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर, उसमें सबसे पावरफुल हाउस है. चाइना में जो भी पॉलिसी बन रही है, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, वो ये हाउस जो है समझ लें कि इसकी अथॉरिटी चलती है उन सब में. जितने भी कानून बन रहे हैं, लेजिस्लेशन हो रही है, पॉलिसीज बन रही हैं, वो ये हाउस देखता है. इसके अलावा अगर ये हाउस सेशन में नहीं है तो इसकी कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, जो कि परमानेंट वर्किंग ऑर्गन है. चाहे हाउस सेशन में है या नहीं है, उसने काम करना होता है. तो वो फिर ये सारे मामला देखती है. और ये कहाँ मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. चाइना में इससे पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, लेकिन आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग में है वो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये एमसीक्यू है आपके लिए. देन कंपोजिशन क्या है हाउस की. हाउस में ऑलमोस्ट 3000 मेंबर्स होते हैं. फाइन, जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं. और ये इलेक्शन कौन करवाता है, स्टैंडिंग कमेटी करवाती है ऑफ एनपीसी. एनपीसी ने साल में एक दफ़ा लाजमी मिलना होता है, वो मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी ही कन्वीन कराती है. मतलब ये काफ़ी अथॉरिटेटिव बॉडी है. और जब मैं लेक्चर बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए. तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर होगी. पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं डेप्यूटीज़ के. जो भी डेप्यूटीज़ हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकता, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लग सकता, जब तक कि आप उस करंट सेशन के प्रेसिडेंट से परमिशन ना ले लें. ठीक है, अगर कांग्रेस सेशन में नहीं है तो अब किसकी परमिशन होगी, स्टैंडिंग कमेटी की. मतलब जब भी कांग्रेस सेशन में नहीं है तो कांग्रेस के काम स्टैंडिंग कमेटी कर सकती है. कोई भी डेप्यूटी अपनी स्पीचेस की वजह से या उसको ज़्यादा वोट मिल गए इस वजह से किसी भी लीग इलेक्शन के लिए नहीं बुलाया जा सकता. मोर ओवर जो भी डेप्यूटीज हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट में इन्वॉल्व होते हैं. उनके माइंड में होता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करना है कंट्री में, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमने उसको अबाइड करना है, जितने भी कंट्री के सीक्रेट्स हैं हमने अपने पास रखने हैं, जो भी प्रोडक्शन एरेना में काम हो रहे हैं वो हमने देखने हैं. ठीक है, तो ये सारी डेप्यूटीज के काम होते हैं. इसके अलावा ये उन लोगों से क्लोज कॉन्टैक्ट रखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इन्हें इलेक्ट किया है. ठीक है, या वो यूनिट्स जिन्होंने इन्हें इलेक्ट किया है, तो वो यूनिट्स, इलेक्टोरल यूनिट्स, इन लोगों को बाय लॉ, मतलब लॉ ने जो प्रोसीजर बता दिया है उसके थ्रू इनको बुला भी सकते हैं फॉर द इंक्वायरी या फॉर द इन्वेस्टिगेशन या फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. फाइन, फंक्शंस क्या है. तो फंक्शंस, ये 6 फंक्शंस हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेशन, अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन है इनका, देन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और डिप्लोमेटिक फंक्शन है, या समझ लें कि फॉरेन अफेयर्स को डील कर रहे होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होगी वो स्टैंडिंग कमेटी लेकर आएगी या फिर जो एनपीसी है वो लेकर आएगी. ठीक है, एनपीसी के 1/5 लोग या डेप्यूटीज अगर एक अमेंडमेंट को प्रपोज कर देंगे तो उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा. और वो अमेंडमेंट कब एक्सेप्ट होगी, जब 2/3 मेजोरिटी ऑफ द एनपीसी उसके हक में वोट देगी. फाइन, अगर एनपीसी कांग्रेस सॉरी एनपीसी सेशन में नहीं है तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस आगे आ जाएगी. ठीक है, वो डिसाइड करेगी अमेंडमेंट होनी है, किस तरह होनी है, सारा कुछ. तो एनपीसी क्या है, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है चाइना की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को देख रही है, उसके अंदर जो जो चेंजेस लानी है वो एनपीसी लेकर आ रही है. पॉलिसी मेकिंग, चाइना में जिस तरह की भी जो भी पॉलिसी बननी है वो सबकी सब एनपीसी देखती है या स्टैंडिंग कमेटी देखती है अगर एनपीसी सेशन में नहीं है. अगेन नेक्स्ट, जो भी फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन है, बजट मेकिंग है, वो सब सब कौन डिसाइड करता है, वो एनपीसी डिसाइड करती है. और अगर एनपीसी नहीं तो स्टैंडिंग कमेटी. रिपीटेशन हो रही है लेकिन आपको माइंड में बैठना चाहिए ये बात. देन हमारे पास लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का सारा अख्तियार किसके पास है, एनपीसी के पास है. लेजिस्लेशन किन एराज में कर सकते हैं, सिविल अफेयर्स हैं, क्रिमिनल अफेयर्स हैं, या स्टेट ऑर्गन्स के रिलेटेड जो भी काम है उनकी लेजिस्लेशन एनपीसी करती है.
ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो लगता है एनपीसी को कि हमें इस पे लेजिस्लेशन करनी चाहिए, वो सब के सब एनपीसी उस पे लेजिस्लेशन करती है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स जो जो एनपीसी नहीं डील कर रही, जब अब मेंशन नहीं है, उन सब पे स्टैंडिंग कमेटी लेजिस्लेशन करती है। फाइन, मोस्टली क्या होता है कि क्योंकि हमने देखा ना एनपीसी का साइज बहुत बड़ा है, 3000 मेंबर्स हैं, तो एक तो साइज बहुत बड़ा है, उस पर कंसेंसस नहीं हो पाता। फिर एक शॉर्ट टाइम के लिए मिलते हैं, साल में सिर्फ एक दफ़ा एक सेशन हो रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पोस्टपोन होता रहता है। तो अब लेजिस्लेशन का काम कैसे करें? तो इसीलिए जो स्टैंडिंग कमेटी है ये आगे आती है, ये बेसिक पॉलिसी बनाती है, बेसिक बिल ड्राफ्ट करती है, फॉर्मुलेट करती है, और उसको कंसेंट के लिए एनपीसी में भेज देती है। तो मोस्टली एनपीसी की जो कंसेंट होती है ना, वो फॉर्मल होती है, और रियल पावर लेजिस्लेशन की किसके पास है? स्टैंडिंग कमेटी के पास है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन। तो जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है चाइना में, वो कौन कर रहा है? वो एनपीसी कर रही है। अब क्या होता है कि नॉमिनेशंस होती हैं, जो प्रेसिडेंट की नॉमिनेशंस हैं या वाइस प्रेसिडेंट्स की नॉमिनेशंस हैं, स्टैंडिंग सॉरी स्टेट काउंसलर मिनिस्ट्रीज की मिनिस्टर्स की जो के मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होंगे, उनकी नॉमिनेशंस हैं या कमीशंस की नॉमिनेशंस हैं, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन एनपीसी का होता है। फाइन, और एनपीसी इनको रिकॉल भी कर सकती है और ऑफिस से रिमूव भी कर सकती है अगर ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो। देन वी हैव एनपीसी के अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी है, वो भी ये काम कर सकती है, लेकिन उसका काम क्या है? मिनिस्टर्स के चॉइस के ऊपर वो कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग, या कमीशन के ऊपर, और वो भी इनको चॉइस दी जाएगी, प्रीमियर इनको चॉइस देगा, प्रीमियर नॉमिनेट करेगा और फाइनल डिसीजन इनका होगा, एनपीसी का होगा, सॉरी स्टैंडिंग कमेटी का होगा। देन सिविल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन एनपीसी इलेक्ट करेगी, ठीक है, इलेक्ट करेगी। देन इसके बाद हमारे पास क्या है कि उस जो सिविल मिलिट्री कमीशन के दूसरे लोग हैं, उनको भी चेयरमैन की नॉमिनेशन के ऊपर एनपीसी अपॉइंट करेगी, और इनको भी ये रिमूव भी कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? जुडिशरी का एक इदारा आ जाता है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट और प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस के लिए जो भी लोग अपॉइंट करने हैं, वो बाई इलेक्शन ये अपॉइंट करेंगे और इनको रिमूव भी कर सकते हैं और रिकॉल भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो एनपीसी डील कर रही है। एनपीसी एग्जामिन करती है कि जो भी प्लान फॉर नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट है वो क्या है, ठीक है, और उसको अप्रूव करती है। स्टेट बजट को भी एग्जामिन करती है और अप्रूव करती है एनपीसी, और इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी ले सुनती है, तलब करती है, या जो भी उसने एग्जामिन करना होता है वो एनपीसी देखती है, और देखती है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं। अगर एनपीसी को एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनअप्रोप्रिएट है, तो अब क्या है कि इसको बदल भी सकती है और पूरी की पूरी पॉलिसी को अनल भी कर सकती है, ठीक है, और नॉर्मली स्टैंडिंग कमेटी भी ये काम कर सकती है। अगर मुल्क में कोई प्रोविंस बनाना है, ऑटोनमस रीजन बनाना है, या म्यूनसिपैलिटी बनानी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होगी, तो वो भी एनपीसी देखती है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बनाने और उन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में किस तरह का सिस्टम इंस्टीट्यूट किया जाएगा, उसका डिसीजन किसके पास है? एनपीसी के पास है। तो ये कितनी पावरफुल अथॉरिटी है, और स्टैंडिंग कमेटी इससे भी ज़्यादा पावरफुल मुझे तो लगता है। डिप्लोमेटिक फंक्शंस, जो भी है डिप्लोमेटिक फंक्शंस हैं कंट्री में, जैसे कि आपने किस कंट्री के साथ वॉर में है, या किस कंट्री के साथ आप पीस में हैं, या वॉर ख़त्म करनी है, वो सब के सब ये डिसाइड करते हैं। फिर आप किसी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन कर रहे हो किसी भी तरह की, तो वो एनपीसी में डिसीजन होता है, ठीक है। और एनपीसी ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग डिफेंस अगेंस्ट अग्रेशन को फुलफिल करे। तो ये थे सारे काम और कंपोजिशन ऑफ एनपीसी। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप कि कोई भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर और किसी और भी तरह के जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो काइंडली आप बताएं फेसबुक पे और या फिर कमेंट में।
और मैं मिलूंगी आपसे इसके बाद अगली वीडियो में। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल की नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।